Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ईसो खुशहाल जय वाल्मीकि कहो, जय वाल्मीकि कहो। साथियों, जो आप आज लाइव वीडियो देख रहे हो वो बहुत ही दुखी हृदय के साथ आक्रोशित होते हुए भारी रोष फिरोजपुर शहर का जो वाल्मीकि समाज के द्वारा जो लाइव वीडियो की जा रही है। तो लुधियाने का एक पाठी जो गुरुद्वारा साहब में 644 में गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश पर्व के मौके पर जो कीर्तन करने के दौरान बहुत ही गलत अपमानजनक शब्द जो शब्दावली टीका टिप्पणी सृष्टि करता वाल्मीकि देवान जी को लेकर अपने व्याख्या के माध्यम द्वारा लोगों में जो पहुंचाई है, तो उस वीडियो को देखकर फिरोजपुर के पूरे वाल्मीकि समाज में भारी रोष पाया जाता है। और वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि ये वीडियो वो लुधियाना के गुरुद्वारा साहब का जो गुरदीप सिंह पाठी है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो साथियों, वीडियो का भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें, इस करके कि पता नहीं कौन सा व्यक्ति अपनी फेसबुक पर उस पार्टी के साथ टाइप होया हो, जब उसका कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट बनी हो। तो इस करके बोलते शेयरिंग जरूर करें, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवान जी पे अपशब्द बोलता है तो चार शहरों में धड़ाले वाले काम होते हैं, जो जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, तो चौथा बचता है फिरोजपुर। और फिरोजपुर वाले तो बिल्कुल ही नहीं बख्शेंगे उसको, वो दिख ना जाए पार्टी यहाँ पे। FIR बाद में होगी, पहले उसकी जूत पतांग होएगी पूरी, और बताएंगे पार्टी तेरे को किसने बनाया। और क्या पार्टी जिसने बनाया उसने यही बोला कि दूसरों के गुरुओं पीरों पर उंगली या टीका टिप्पणी खड़ी करो। तो साथियों, मैं लाइव वीडियो में बना ही रहूंगा, थोड़ा रेस्ट चाहता हूं, क्योंकि अभी हम मीटिंग करके हटे हैं इसी मुद्दे को लेकर। बहुत ही जल्द हम उस पार्टी पर FIR भी करवाएंगे और बनती कार्रवाई के तहत उसको जेल की सलाखों में भी भेजेंगे और कोर्ट कचहरी फिरोजपुर के दर्शन भी कराएंगे। तो हमारे भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। तो मेरे से ज्यादा हमारे वाल्मीकि समाज में रोष है। तो वीडियो के माध्यम द्वारा ये सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप भी अपने अपने शहरों में, अपने अपने कस्बों में, अपने अपनी तहसीलों में उस गुरदेव सिंह नकली पार्टी पर, नकली पार्टी इस करके असली पार्टी ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। जो एजेंसियां चला रहे हैं, जो आपसी भाईचारा खराब करने का जो मकसद लेके बैठे हैं, गद्दियां संभाल के बैठे हैं, तो सभी पूरे वाल्मीकि समाज को कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने शहरों पे गुरदेव सिंह पार्टी पर FIR करवाएं और अपना वाल्मीकि होने का सबूत दे और अपनी एकता का परिचय दे। तो हमारे संजू चंडाल जी, दोस्तों, जैसे अभी रवि खांडिया जी हमारे वीर ने मीटिंग बुलाई थी आज, और इसमें कोई संगठन का नाम मैं नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है ये वाल्मीकि समाज के साथ हुई है। तो इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि सभी संगठनों को छोड़ के जो वाल्मीकि महाराज से प्यार करते हैं, उनकी प्रेरणा पर चलते हैं, उनके लिए ये बहुत ही दुख की बात है। तो मेरा ये मैसेज है कि मीटिंग में भी हम बोल आए हैं कि उस पाठी ने जो गलत हरकत की है उसका नाम लेना भी मैं अच्छा नहीं समझूंगा, और मैं तो ये कहूंगा कि उसको पाठी बना किसने दिया जो कि लोगों को प्रचार कर रहा है और इतना गलत प्रचार कर रहा है परमात्मा वाल्मीकि महाराज के बारे में। आज तक मैंने अपने पूरे जीवन में वाल्मीकि कौम के किसी भी नुमाइंदे से या किसी भी व्यक्ति से किसी भी परमात्मा के बारे में अपशब्द बोलते हुए कभी देखा नहीं। तो वाल्मीकि कौम के साथ ही ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो मीटिंग में बहुत लंबा एजेंडा था, तो मैं
आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि कल सुबह 11 बजे जो वाल्मीकि महाराज से प्यार करते हैं, वो बस अड्डे के पास जो हमारा डेरा है वाल्मीकि महाराज का, वहाँ 11 बजे सभी संगठनों को छोड़कर, जैसे कि हमारे कई वीर फेसबुक पर आकर कहते हैं कि आज उन्होंने ये कर दिया, किसी ने ये कर दिया, तो हमारे लिए मीटिंगें होती हैं, मगर मैं उन वीरों को भी कहना चाहूँगा कि आपस में टीया टिप्पणी करने से अच्छा कि संगठन ने जो मुमटे लड़ी हैं उसमें सभी समाज को कॉल किया गया है। आप अगर कल ही कोई संगठन चलाकर और अपने समाज के लिए टीया टिप्पणी करते हो, पहले ये बताओ कि संगठन के किस बंदे को आपने कभी कॉल किया है कि आओ हमारे साथ ये मूवमेंट लड़ो। आज अलग अलग संगठनों से यहाँ डेरे पे इकट्ठे हुए मेरे भाइयों ने सभी ने एक सांझ का परिचय दिया कि हम सारे साथ हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 11 बजे कल डेरे पर आएँ और हम ये जो मुरमंडम तैयार करेंगे बाबा जी के डेरे पर, वो हमने SHO कैंट को देना है, ताकि उस गुरदीप सिंह जो भी पाठी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि वाल्मीकि कौम इतनी डरपोक कौम नहीं है, वो पाठी सोच ले, अगर SHO ने या पुलिस प्रशासन ने हमारी कार्रवाई या उसके ऊपर पर्चा ना किया तो हम खुद ही छितर मारते हुए लुधियाने से उसको फिरोजपुर लेके आएंगे। यहाँ तक कहना चाहूँगा कि इतने छितर परेड करेंगे, खास तौर पर उसके ऊपर इसलिए ज़्यादा छितर परेड होनी है, हमारे सारे युवा लोगों में बहुत सा रोष है कि वो पाठी होने के नाते जो लोगों को धर्म प्रचार कर रहा है, और वो जब इतनी मानसिकता रख सकता है तो एक आम व्यक्ति तो कुछ भी कह सकता है। फिर तो मेरा कहने का मकसद यही है दोस्तों कि कल 11 बजे संगठनों को छोड़ के जितने भी वाल्मीकि महाराज से प्यार करते हैं, वो बाबा यशपाल जी के डेरे पर 11 बजे बस अड्डे कैंट में पहुंचे, ताकि हम अपना जो एकता का परिचय है वो सारे समाज में पहुँचा सके और उस पाठी की छत्तर परेड कर सकें। और यही मेरे आपसे वादा है कि छत्तर परेड जरूर करेगा फिरोजपुर उसकी। जय वाल्मीकि। सारे धर्म प्रेमियों जय वाल्मीकि। उच्ची बोलो समूह वाल्मीकि समाज अगे मीटिंग दे विच पहुंचे संगठन की सारे वालों बेनती है कि कल 11 बजे वाल्मीकि आश्रम डेरा माता ढिलनी विखे पहुँच के जिन्हें भी संगठन के जिन्हें भी वाल्मीकि समाज है सारे वाल्मीकि आश्रम डेरा माता ढिलनी से 11 बजे पहुँचो, पहुँच के एकता सबूत दो, क्योंकि जो आपको पता है कि जो गुरदीप सिंह पाठी ने जो वाल्मीकि महाराज जी गलत शब्द बोले हैं उन्हों का जवाब आप सारे ने इकट्ठे होकर किस तरह देना है। तो फिर मेरी सारे अगर बेनती है कि बेनती प्रवान करते हुए सारा समूह वाल्मीकि समाज फिरोजपुर का कल 11 बजे वाल्मीकि आश्रम डेरा माता भिलनी पहुँचने की कृपालता करो। जय वाल्मीकि।